लोदीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी और आलू से बना बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना है। आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप सॉस के साथ, या अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आपके घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इसे 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इस तरह से आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोदीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने एक नए सुविचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये नाश्ता बहुत ही कम सामानों से बनकर तैयार हो जाता है और ये आपकी रसोई में रहते भी हैं ये सारे सामान। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है, ये मेरी बारीक वाली सूजी है, और ये एक उबला हुआ आलू है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये एक चम्मच चाट मसाला है, ये एक चम्मच हल्दी पाउडर है, ये दो चम्मच नमक है, ये कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक है, ये लाल तीखी लाल मिर्च है, और ये थोड़े से करी पत्ते हैं, और ये हींग है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पर मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया है और इस पर मैं दो चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम राई और जीरा डालकर इसे तड़कने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम राई जीरा डाल देंगे। तो राई जीरा हमारा जब अच्छे से तड़क जाए तो इसके बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब इसमें हम अदरक डाल देते हैं और अदरक को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें हम हींग डाल देंगे थोड़ी सी, और इसे भी थोड़ा सा मिला देंगे। अब इसके बाद इसमें हम चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच, और थोड़ी सी इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये करी पत्ते हैं। तो ये करी पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करी पत्ते डालने से बहुत ही अच्छे इसमें टेस्ट आता है। इसे भी हम थोड़ा सा बस चला लेते हैं। अब इसमें हम दो कटोरी पानी डाल देंगे। हमने एक कटोरी सूजी ली है तो हम मेज़रमेंट करके दो कटोरी इसमें पानी डालेंगे। तो बस हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। तो जिस कटोरी में हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से मेज़रमेंट करके हम दो कटोरी इसमें पानी डालेंगे। अब पानी में हम उबाल आने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देते हैं साथ में। तो ये मैंने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, पानी में हमारी उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, मीडियम नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम करना है हमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे। तो हम एक साथ सारी सूजी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए एक डो की तरह हमें इसे तैयार करना है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और इस तरह से हम इसे चलाते हुए तैयार करेंगे। बस हम लो फ्लेम पे ही इसे करना है। बस इस तरह से हम इसे चलाते हुए एक डो की तरह तैयार करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी बना कर रख सकते हैं, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इसे। अभी मैंने सारी सूजी डाल दी है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे एक डो की तरह तैयार करेंगे। तो ये थोड़ी देर में डो की तरह बन जाएगा। बस इसे हम चलाते हुए तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा डो की तरह तैयार हो गया है सूजी।
अब इसे हम बंद कर देते हैं गैस को और इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो सूजी हमारी ठंडी हो चुके हैं, तो हमें इसे ज़्यादा ठंडी नहीं रखना है, हल्का गुनगुना ही रखना है। अब इसके बाद इसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, बस हल्का सा नमक इस तरह से। अब इसे हम हाथों की सहायता से इसका अच्छी तरह से एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम हाथों की सहायता से इसे मसल मसल कर और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से हमें इसे मसल मसल कर और इसका एक डो तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने मसल मसल कर इसका एग डो तैयार कर लिया है। तो अगर आपको हाथों में थोड़ा चिपकता हो तो आप इसमें हल्का सा तेल लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसे एग डो की तरह तैयार किए हैं। अब चलिए इसे हम बेल कर इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो चलिए हम एक चक्की ले लेते हैं और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं अच्छी तरह से। और जो बेलन लिए हैं तो इसको भी हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। अब जो डो हमने तैयार किया है तो हम इसकी पूरी इस तरह से एक लोई बनाकर और इसे बेल लेते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस इतना हमें इसकी मोटाई रखना है, मतलब इतना हमें इसे बेलना है। तो चलिए इसे हम चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे सर्कल आकार में भी कट कर सकते हैं। तो हम इसका इतना पीसेस अभी हटा देंगे और बस इसे हम इस तरह से चौड़े चौड़े भाग में इस तरह से अभी कट कर लेते हैं। पहले हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं लंबाई में। तो इस तरह से हम साइड के इसके हिस्से को निकाल देंगे और वापस दोबारा हम इसे बेल लेंगे। अब इसका एक इस तरह से इसे घुमा लेंगे। तो हम इसके इस तरह से ये इस पीसेस को भी कट करके निकाल देंगे और बस इसके हम इस तरह से शेप देंगे। बस इस तरह से हम इसकी शेप तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो गोल आकार में भी इसका शेप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से इसका शेप दिया है हाथों से, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं बराबर। तो बस इस तरह से हम इसके सारे पीसेस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो हमारी एक कटोरी सूजी में लगभग इतने पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। तो बस इस तरह से हमें इसे इसका आकार देना है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इस पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो तेल हमारा मीडियम फ्लेम पर हमें गरम करना है, ज़्यादा तेल हमें तेज आंच पे गरम नहीं करना है। तो बस हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम पीसेस कट किए हुए डाल देंगे। तो बस इस तरह से हम इसमें 4 से 5 पीसेस डालेंगे और इसी तरह से अभी इसे हमें फ्राई होने देना है। तो फ्रेंड्स हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़ी कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसे हमें अच्छे कुरकुरे होने तक फ्राई करना है। तो अभी इसे हम नहीं पलटाएंगे, थोड़ा इसे अभी अच्छी तरह से हमें सिक जाने देना है, उसके बाद इसे हम पलटाएंगे। तो 1 मिनट के लिए इसे हमें इसी तरह से अभी फ्राई होने देना है। आप चाहें तो ऊपर इस तरह से इसमें तेल डाल सकते हैं। अब 1 मिनट के बाद हम इसे इस तरह से पलटा देंगे और इसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। तो बस हम सारे पीसेस इसी तरह से पलट कर और फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे इसमें कलर आया है। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो इसे हमें बस लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो
तरह से हम दोनों तरफ से इन्हें अलटा पलटा कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक पेपर पर। तो इसका तेल हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इस पर हम पेपर पर इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे ताकि जिस इसका एक्स्ट्रा तेल जो भी है तो वो भी निकल जाए। तो हम सारे पीसेस को इसी तरह से हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए पीसेस को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आलू और सूजी से बना बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और देखिए, ये बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बना है हमारा। तो मुझे इसे बनाने में केवल 15 मिनट लगे हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या जब भी आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें और खुश रहें। जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।